हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए होली स्पेशल ठंडाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है और ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आता है। तो आइए चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 1/4 कप एलमंड्स लिए हैं, बादाम, 1/4 कप कैश्यूज, काजू, खसखस 2 टेबल स्पून, मस्क मेलन सीड्स मगज के बीज 2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टेबल स्पून, इलायची 3, सौंफ 1 टेबल स्पून और रोज़ पेटल जो कि ड्राई हैं वो 1 टेबल स्पून। अब यहाँ पे हम लोग शुगर 1/4 कप लेंगे। अब इनको हम अच्छे से मिक्स ग्राइंड कर लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जो क्वांटिटी ले रहे हो वो सब बराबर की होनी चाहिए। यहाँ देखिए मेरा पाउडर पूरी तरीके से ठंडाई पाउडर तैयार है। इसको आप फ्रिज में एयरटाइट डब्बे में स्टोर करके आराम से 1-2 मंथ्स के लिए रख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे ठंडाई बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले आइस डाला। अब मैं 3 टेबल स्पून एक ग्लास के लिए यूज़ करूँगी। ये जो 3 टेबल स्पून का रेशो है ना दोस्तों, एकदम परफेक्ट होता है। अब यहाँ पर हम लोग चिल्ड मिल्क यूज़ करेंगे। आपको नॉर्मल टेम्परेचर वाला मिल्क यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये ठंडाई है तो ठंडाई के लिए तो एकदम ठंडा ही दूध चाहिए रहता है। अब गार्निश करने के लिए यहाँ पे हम रोज़ पेटल्स और सेफ्रॉन का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो ऊपर से और ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हो। तो ये लीजिए, मेरी होली स्पेशल ठंडाई रेसिपी एकदम तैयार है। अब इनको थोड़ा सा आप मिक्स भी कर लेना, मैं आपको पहले बताना भूल गई, क्योंकि पाउडर है तो मिक्स तो करना ही पड़ेगा। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा इस होली पे, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, जिससे आपको मेरी आगे की और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने को मिले। थैंक यू सो मच दोस्तों।